हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा हमारा कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का विद पीरियोडिक ट्रेंड्स। जो हमारे आज का जो पीरियोडिक ट्रेंड है उसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड है। हमने शुरू किया था पिछले लेक्चर के अंदर, पर हमने कंप्लीट नहीं किया था। तो सिंस इट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज द रीजन मैं इसको दोबारा, एंथैल्पी और एनर्जी मीन्स द सेम टू अस अभी तक। टिल द टाइम हम चैप्टर थर्मोडायनामिक्स नहीं करेंगे तब तक एंथैल्पी एंड एनर्जी हमारे लिए क्या है, सेम है। तो आयोनाइजेशन का मतलब सिंपली क्या, आयोनाइज हम किसको करते हैं बेटा, एटम को। आपके पास एक एटम है एक्स, आप उसको एनर्जी दीजिए ताकि आप उससे उसी का इलेक्ट्रॉन रिटर्न से उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देते हैं। तो उस एटम पे चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव, और वो क्या बन जाता है, आयन। कौन सा आयन बन जाता है, वो केटायन। एंड जो एनर्जी आप लगाते हैं उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट ऑफ एटम। तो सर इस आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा उसके आसपास और कोई भी एटम उसके जैसा या कोई और नहीं होना चाहिए। और जब कोई भी एटम आइसोलेटेड होता है तो बेटा वो अपने गैसियस स्टेट में होता है, क्योंकि गैसियस स्टेट से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। पर अगर कोई एटम लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है तो उस स्टेट में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमको बेटा पहले उस एटम को किसमें कन्वर्ट करना होता है, आइसोलेट स्टेट में, उसको दूसरों से आइसोलेट करना पड़ता है और उसको गैसियस स्टेट में करना पड़ता है। जैसे बेटा सोडियम, सोडियम की जनरल कॉन्फिग्रेशन बेटा क्या होती है, 281। इस 281 के अंदर ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो सबसे लूजली बॉन्डेड है, तो बेटा वो है सोडियम के थर्ड शेल का आखिरी इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन। क्योंकि यही उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यही सबसे दूर है, इसलिए लूजली बॉन्डेड है। जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कह लीजिए या शेल कह लीजिए, जो शेल सबसे दूर होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। और जब आप इसको एनर्जी देंगे तो बेटा आप इससे इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लेंगे, लूज। तो ये बन जाएगा सोडियम, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये, और याद रखिएगा कि ये आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए। इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा आपको लगानी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी, ये एनर्जी कभी भी मिलती नहीं है। कभी कभार कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कॉन्फिगरेशन क्या हो गई, 281। आपने पहली एनर्जी लगाई तो आपने मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कराया, वन, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये स्टेबल नहीं हुआ, अब आपको इसी मैग्नीशियम के केटायन सा है तो आपको एक और आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी। टू पॉजिटिव होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, तो मैग्नीशियम के केस वो Ie2 लगाई, तो टोटल मिला के दो Ie लगाई तब जाके दो इलेक्ट्रॉन लूज कराए, क्योंकि मैग्नीशियम इज सपोज टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन सोडियम के केस के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कराना था, और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमको तीन तीन इलेक्ट्रॉन लूज कराने पड़ते हैं। एंड याद रखिएगा, हर सक्सेसिव आईई जो होती है सक्सेसिव, तो बेटा वो पहली बार जाती है, मतलब सबसे आसान होता है किसी भी एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना। लेकिन अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने की कोशिश करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, बल्कि वो ज्यादा हो जाती है। और जब उसी एलिमेंट से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने लगते हैं तो वो और ज्यादा हो जाती है। तो बेटा सक्सेसिव आईई किसी भी एलिमेंट की क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू कॉपी यू मे कॉपी, देन वी मूव अहेड। हाँ जी बेटा, एक बार कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इस पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस कहाँ पर है? वो है ये ग्रुप 18 के अंदर, हीलियम, नियॉन, आर्गन। नोबल गैसेस ये भी है, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। पर हमें अभी मेन काम जो है वो इन तीन नोबल गैसेस से हो जाएगा। हर एलिमेंट अपने सबसे पास वाली नोबल गैस के जैसा बनना चाहता है। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है ऑक्सीजन के सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है? अगर हम ऑक्सीजन के आगे जाते हैं तो वो नियॉन है, एक दो। और अगर हम बेटा ऑक्सीजन से पीछे जाते हैं, एक दो तीन चार पांच छः, तो बेटा ऑक्सीजन की बेटा कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2.6। अब आप बताओ वो छः इलेक्ट्रॉन पीछे लूज करके हीलियम जैसा बने कि दो इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन जैसा बने? कौन सा आसान है, छः इलेक्ट्रॉन लूज करके ओ 6- बनना, या फिर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा क्या बनना, O2- बनना? कौन सा आसान तरीका है बेटा, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन के जैसा बनना, या छह इलेक्ट्रॉन लूज करके पीछे नोबल गैस के जैसा बनना? सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर। 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अब हम आते हैं सोडियम के पास। ये रहा बेटा सोडियम, इधर देखो बेटा, ये रहा सोडियम। सोडियम के सबसे पास वाली नोबल गैस कौन सी है? अगर हम पीछे जाते हैं तो वो नियॉन आ जाती है, और अगर हम आगे जाते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात, तो वो आर्गन आ जाती है। तो नियॉन जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या है बेटा, 2-8-1। अब बताइए इसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए? सर एक इलेक्ट्रॉन लूज। एक इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, लूज करना चाहिए। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए, किसी के इलेक्ट्रॉन्स हटाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ी को बेटा हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई अपने आप इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर देता,
आपको उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ते हैं। जब आप निकालेंगे किसी के इलेक्ट्रॉन, आपकी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और ये एनर्जी सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सोडियम के आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इसलिए उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए निकाली जाएगी। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन लूज करना, इसीलिए हम एनर्जी लगाते हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन आप लूज कराएंगे वो गैसीय स्टेट के अंदर होना चाहिए। अगर वो दूसरों से घिरा हुआ होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन लूज कराना हमारे लिए क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो सोडियम के केस में सिर्फ एक ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगती है, कितनी पर। लेकिन अगर हम कोई और कंफिगरेशन, क्या है, 2A2, ये भी बेटा कौन से स्टेट के अंदर है? गैसीय स्टेट में। लेकिन अब मुझे बताओ, मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए 2 के 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए, लेकिन बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक ही साथ नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम पहले एनर्जी लगाते हैं जिससे हम उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जब आप पहली एनर्जी लगाओगे तो उसे कहते हैं IE1 निकालना है। तो बेटा आपको फिर एनर्जी लगानी पड़ेगी और ये हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। जब आपने दूसरी बार एनर्जी लगाई तो बेटा उसको हम क्या लिखेंगे? IE2। इसलिए टोटल एनर्जी हमारी कितनी लग जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? IE1 प्लस IE2। ये वाली एनर्जी बहुत 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 ज्यादा होगी क्योंकि इसमें आप 2 बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास एक और एलिमेंट है एल्यूमिनियम। हमने देखा कि भाई इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरिजन में आसान है, रादर इसको 5 इलेक्ट्रॉन क्या कराना गेन। इसलिए हमने इसके गैसीय स्टेट में पहले एनर्जी लगाई और इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये बन गया Al पॉजिटिव। जब आप पहली बार एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस एनर्जी को हम कहते हैं IE1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1। लेकिन इससे वो स्टेबल नहीं हुआ, इसलिए आपने इसी से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए दोबारा एनर्जी लगाई तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो ये आया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? IE2। और ये वाली IE2 जो है वो ज्यादा होगी इसके IE1 से। ये वाली जो आई क्या होगी? ज्यादा हो। लेकिन ये स्टेबल अभी भी नहीं हुआ, इसलिए हमने इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तब जाके इसके पास नोबल गैस कॉन्टेबल हुआ और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर IE की वैल्यू क्या लगेगी? IE3, जो बेटा IE2 से भी ज्यादा होगी। तो टोटल IE एल्यूमिनियम के केस में कितनी? +3। तो जब एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद दूसरी एनर्जी लगाते हैं आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, तो वो वाली वैल्यू हमेशा पहली वाली से ज्यादा होती है। अगर आप अपने दुश्मन को पीट कर उससे 500 रुपया छीन लेते हैं तो अगली बार आपको उसको कम नहीं पीटना पड़ेगा, आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी क्योंकि वो दूसरी बार इतनी आसानी से 500 रुपया नहीं निकाल लेगा। तो बेटा हर केस के अंदर, हर स्टेप के बाद हमारी IE जो है उसी एलिमेंट से मुश्किल होती जा रही है। अगर मैं आपके पास आऊं और आपसे 10 रुपए छीन लेता हूं
तो फिर मैं 10 रुपए छीनने के बाद आपसे जब दोबारा 10 रुपए और छीनूंगा तो वो इतना आसान नहीं होगा, वो मेरे लिए और भी मुश्किल होगा। लेकिन अगर मैं तीसरी बार 10 रुपए फिर छीनने की कोशिश करूंगा बेटा, तो वो मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे जैसे किसी के पैसे कम होते रहते हैं वो अपने बचे हुए पैसों को और टाइटली पकड़ के रखता है। जैसे जैसे किसी एटम के, मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन कम होने लगते हैं, तो वो अपने बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, उनको टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से हमारे लिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसको हम कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा क्या होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी? वो कहते हैं मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए किसी एटम से जिसका लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हमें लूज कराना हो। सर लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स किस, क्योंकि वही शेल सबसे दूर होता है। और याद रखना जिस एटम से आप निकाल रहे हो वो आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में होना चाहिए। इसका SI यूनिट क्या होता है बेटा? किलो जूल पर मोल। अब आप देखिए बेटा ये हमारे पास कोई एटम, तो ये एटम से बेटा क्या बन गया? कैटायन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया है। तो बेटा अगली बात हम करते हैं सक्सेसिव IE। कहता है IE रिक्वायर्ड टू रिमूव पहला इलेक्ट्रॉन को हम IE1 कहते हैं, उसी का अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो तो IE2, और उसी का अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हो तो IE3 फ्रॉम आइसोलेटेड गैसीय स्टेट। अभी हम देखते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल। अभी हमने पढ़ा कि सक्सेसिव IE हमेशा ज्यादा होती है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आफ्टर एवरी IE इफेक्टिव न्यूक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो अब आप खुद देख लो बेटा एल्यूमिनियम क्या होता है, 283। जब आपने उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया तो वो क्या हो गया, 281। वैल्यू कितनी होगी, 577 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब आप इसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराते हैं 282, और वो क्या बना देते हैं, 281, तो बेटा वैल्यू कितनी आ जाती है, 1795 किलो जूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां से ये वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम बढ़ गई। और इससे अगर आप जब बेटा तीसरा इलेक्ट्रॉन फाइनली रिमूव कराते हैं तो बेटा वो क्या बना देता है, बेटा एल्युमिनियम 3+ जो हमें चाहिए। तो बेटा उसकी वैल्यू इसके बेटा ऑलमोस्ट कितना है, 1.5 टाइम्स। तो देखो बेटा 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए टोटल अगर हम ऐड करें तो कितनी ज्यादा हमारी एनर्जी लग जाती है। इसीलिए बेटा हम IE1 और IE2 मैक्स मैक्सिमम प्रेफर करते हैं। तीन तीन चार चार इलेक्ट्रॉन हम लूज कराना प्रेफर नहीं करते। 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कराना प्रेफर सर, क्यों? ड्यू टू वेरी हाई, क्योंकि बेटा IE का जो सम लगता है वो बहुत 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 ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हो तो हम दूसरी बार नहीं सोचते, हम पहली बार में ही 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया। पर तीन तीन चार चार इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने हो बेटा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा लगती है। अब देखते हैं बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जिनके कम या ज्यादा होने पर हमारी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है। एटॉमिक साइज, अब याद रखना बेटा एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, इस वजह हमारे लिए इलेक्ट्रॉन लूज कराना क्या हो जाता है, आसान। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम बेटा क्या हो जाती है, आई। वही बात आ गई न्यूक्लियर चार्ज, अगर भाई न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इफेक्टिव भी बढ़ेगा, तो IE ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट फैक्टर क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग। अब देखिए बेटा, अगर तो रिपल अट्रैक्शन का क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना आसान हो जाएगा। बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट किस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, एस ऑर्बिटल का सबसे ज्यादा होता है, पी का उससे कम होता है, एफ का सबसे कम होता है। पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जो सबसे ज्यादा बेटा पेनिट्रेट करते हैं या न्यूक्लियस के पास होते हैं बेटा, एस इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं न्यूक्लियस, पेनिट्रेटेड होता है न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए आईई एस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने की सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा टाइटली पैक होते हैं। एंड लास्ट कहता है बेटा स्टेबल कॉन्फिगरेशन, जिन एलिमेंट्स के ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है या फिर फुली फिल्ड है, वो क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, इसलिए बेटा उनकी आईई जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब इनमें एग्जांपल्स कौन कौन से आ जाते हैं, बेरिलियम। सर बेरिलियम की आईई ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा उसका एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, मैग्नीशियम उसका भी एस ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, नाइट्रोज का पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। सर फास्फोरस की आईई इन कंपैरिजन ज्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा फास्फोरस का भी पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन की तरह। और बेटा नोबल गैस हीलियम फुली फिल्ड, तो बेटा आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो बेटा ये क्या है, तो बेटा इसीलिए इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बेटा काफी कम है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है इनसे इलेक्ट्रॉन्स क्या कराने के लिए, रिमूव कराने के लिए। देखिए बेटा अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, वो कहता है कैसे आईई ट्रेंड करती है पीरियड के अंदर। अब आप जरा ध्यान से देखिए बेटा, पीरियड में क्या होता है, पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बेटा हमने पढ़ा है कि डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है बेटा वो क्या होता है, इंक्रीज। देयरफॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या कर जाती है, कम हो जाती है, इस वजह से लेफ्ट टू राइट आईई की वैल्यू जो है बेटा वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो लेफ्ट टू राइट जब हम बेटा पीरियड में मूव करते हैं तो बेटा एटम का साइज छोटा होता है, इज दैट क्लियर क्लास, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जो है बेटा वो कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से आईई जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे आसान होता है सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना, उससे मुश्किल होता है मैग्नीशियम से, देन एल्युमिनियम से, एंड सो ऑन। अब सिंस हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हम इन्हीं तीन एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब इसके अंदर बेटा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती है जो आपको बाद में कॉपी करनी होगी। पहला वो क्या आता है बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, नोबल गैसेस हैव मैक्सिमम आईई इन अ पीरियड। सर क्यों, ड्यू टू पहला रीजन स्मॉल साइज एंड दूसरा क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो एक तो नोबल गैसेस का साइज बेटा क्या होता है, छोटा, और उनकी कॉन्फिगरेशन जो है बेटा वो क्या होती है, स्टेबल, इसलिए उनकी आईई बहुत ज्यादा होती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, आईई ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन। अगर बेटा हम ट्रेंड की बात करें
तो सबसे पहला आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, बोरॉन के बाद हमारे पास कौन आता है कार्बन, के बाद नाइट्रोजन, के बाद ऑक्सीजन, के बाद हमारे पास से देखें तो नाइट्रोजन की आईई तो कम होनी चाहिए ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन की आईई ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि लेफ्ट टू राइट आईई जो है वो क्या कर रही है इंक्रीज, बट बेटा आईई नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या होती है बेटा मोर। सर क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन हैज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नंबर कितना होता है 7, तो बेटा 1s2 2s2 2p3, और बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो 1s2 2s2 2p4, तो बेटा नाइट्रोजन का ऑर्बिटल हाफ फिल है इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसकी आईई जो है बेटा क्या है ज्यादा है। ऐसे ही सेम आईई ऑफ फास्फोरस जो है वो सल्फर से ज्यादा है। सर हाफ फिल स्टेबल इज, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और बेटा सल्फर का क्या आ जाएगा 60, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो सल्फर का ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, लेकिन फास्फोरस का 3p ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, इसीलिए बेटा फास्फोरस की आईई ज्यादा होनी चाहिए। और फास्फोरस भी कुछ ऐसे होता है बेटा, जहां पे आ गया क्लोरीन, देन आर्गन, देन सिलिकॉन एंड सो ऑन, तो बेटा टेक्निकली आइडियली सल्फर की आईई ज्यादा होनी चाहिए फास्फोरस से, पर फास्फोरस की आईई ज्यादा होती है सल्फर से क्योंकि सल्फर का ऑर्बिटल जो होता है वो हाफ फिल स्टेबल होता है। तो आप ये 3 कॉपी कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा बेटा नाइट्रोजन का, एंड बेटा हमने कॉन्सेप्ट जो है वो किसका देखा फास्फोरस का। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा बेरिलियम और बोरॉन। अब बेटा मैं कह रहा हूं बेटा वो क्या कर रही है इंक्रीज, तो इसका मतलब हो गया बेटा आईई बोरॉन की ज्यादा होनी चाहिए किससे, बेरिलियम से, बट ऐसा नहीं है। तो जरा देखो बेटा कैसा होता है। सिमिलरली आई इज मोर देन बोरॉन। सर क्यों? ड्यू टू fully filled orbitals in beryllium which shows stable electronic configuration। तो beryllium atomic number 4 ये क्या आ जाता है बेटा 1s2 2s2, पर boron atomic number 5 कितना आता है बेटा 1s2 2s2 2p1, तो इस वजह से होनी आईई 1 बोरॉन की ज्यादा चाहिए पर होती बेटा किसकी है बेरिलियम की आईई जो है वो ज्यादा होती है। तो ये कुछ हमारे रीजंस बनते हैं आईई के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पीरियड। अब हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर, ग्रुप में हम कैसे मूव करते हैं। तो बेटा हमको पता है कि हम ग्रुप में काम करते हैं ऊपर से नीचे। तो बेटा जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज करता है इन अ ग्रुप। सर क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या करते हैं इंक्रीज, इस वजह से टोटल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है बेटा डिक्रीज, हेंस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की पर आईई की वैल्यू जो है बेटा वो क्या हो जाती है कम, इसीलिए लिथियम की टेंडेंसी बेटा आईई की ज्यादा है, देन सोडियम की आईई ज्यादा होगी और पोटेशियम की आईई जो है वो सबसे कम होगी। तो ये है बेटा ट्रेंड आईई का इन अ पीरियड एंड इन अ ग्रुप, तो आप कॉपी कर सकते हैं इसको।
इसी के अंदर बेटा मैं एक और ट्रेंड जो है आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपके नंबरिंग के अकॉर्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड नंबर क्या होगा भाई, कोई मुझे बता सकता है? आयोनाइजेशन का हमारा ट्रेंड नंबर जो है वो क्या आया? तो बेटा अगला जो हमारा एक ट्रेंड है जो हम अभी पढ़ रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी से ही रिलेटेड है, इसका नाम है मेटालिक कैरेक्टर। ये क्या होता है बेटा? कहते हैं मेटल का क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। आई रिपीट, मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना और लूज पॉजिटिव आयन, है ना, इसे कहते हैं बेटा मेटालिक कैरेक्टर। तो अब जरा देखिए बेटा, अभी हमने पढ़ा पीरियड में हम कहां से कहां मूव करते हैं बेटा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस बेटा क्या करता है, डिक्रीज, है ना, क्यों डिक्रीज करता है, इंक्रीज, इसलिए हमने देखा। सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर जाती है, डिक्रीज, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर रिएक्टिविटी of metals बेटा क्या कर जाती है, decrease कर जाती है। तो left to right अगर हम trend देखें, which is most metallic, sodium, sodium से कम metallic कौन हो जाएगा, magnesium, magnesium से कम metallic कौन हो जाएगा, aluminium, क्योंकि sodium की tendency electron lose करने की सबसे ज्यादा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या हो गया, metallic। ऐसे ही बेटा group में हम कहां move करते हैं, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे because number of shells बेटा क्या करते हैं, increase, तो increase, इसकी वजह से tendency to lose electrons बेटा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इस वजह से metallic character और chemical reactivity increase कर जाती है। तो इसलिए अगर हम metals के group में देखें तो बेटा मेटल के ग्रुप में लिथियम इज लीस्ट मेटालिक, उससे ज्यादा इज सोडियम और सबसे ज्यादा कौन हो गया बेटा, पोटेशियम हो गया। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नंबर 5 था तो बेटा ये ट्रेंड हमारे पास क्या हो जाता है, 6, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। हालांकि बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर दिस ट्रेंड इज क्वाइट यूजफुल टू अंडरस्टैंड मेटल्स क्या होते हैं बेटा। मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के कैरेक्टर को हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर या हम कहते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। जितना जल्दी मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जल्दी ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर मेटालिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने आपके साथ। लेट अस स्टार्ट विद सम एनसीईआरटी बेटा क्वेश्चंस। कहते हैं एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन है बेटा ये हमारा। कहते हैं एनर्जी ऑफ एन इतनी होती है, कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की इन जूल पर मोल। अब देखो बेटा आयो एनर्जी और ऑफ शेल एट इंफिनिटी माइनस जिस शेल की आपको एनर्जी निकालनी है, ये हो गया बेटा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू जी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और बेटा ये किसमें आता है, जूल पर एटम के अंदर। अगर आप इसको नेगेटिव साइन रिमूव कराते हो तो दो बार आ गया, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 18। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 1, और बेटा शेल कौन सा है, 1, उसका भी बेटा स्क्वायर हो गया, और ये आ गया जूल पर एटम के अंदर। तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट शेल की बेटा कितनी आ गई, 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम। लेकिन वो कह रहा है कि पर मोल, 1 मोल के लिए निकालेशन एनर्जी पहले शेल के लिए 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 को
हम एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमको वन मोल के लिए निकालनी है। तो बेटा अगर मैं 2.18 को 6.023 से मल्टीप्लाई करता हूं या 6.022 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बेटा ये वैल्यू आ जाती है 13.13 इनटू 10 जूल। हमारे से आंसर जूल पर मोल में पूछा है तो ये है बेटा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा हमारा इसमें है वो है 16th क्वेश्चन और वो क्या कहता है, कहता है अमंग द सेकंड पीरियड। बेटा सेकंड पीरियड के अंदर पहला एलिमेंट आता है लिथियम, लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और फ्लोरीन के बाद क्या आता है बेटा नियॉन। ये होते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्लेसमेंट। अब उन्होंने भी हमको ऑर्डर दे रखा है लेकिन ये ऑर्डर जो है वो किसका है, आईई का। लिथियम से ज्यादा आईई वो बेटा किसकी मान रहे हैं, बोरॉन, और बोरॉन से ज्यादा बेटा किसकी है, बेरिलियम। मतलब ये डिस्क्रिपेंसी आ गई, ऐसा क्यों है, एक ये वो पूछ रहे हैं। और दूसरा वो कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आना चाहिए लेकिन ऑक्सीजन पहले आ रहा है, नाइट्रोजन बाद में आ रहा है, ये एक दो चेंजेस है वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अब देखिए बेटा इसका आंसर क्या है, कहते हैं बीई की हायर आईई क्यों है बोरॉन से। तो बेटा बीई बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 हैज फुली फिल्ड स्टेबल 2s2 ऑर्बिटल, हेंस इट्स आईई इज मोर देन बोरॉन, जिसकी बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1 which has incompletely filled 2p orbital। तो बेटा जो ऑर्बिटल स्टेबल होगा बेटा उसकी आईई जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरे पार्ट में बेटा वेरी नाइस पार्ट, उन्होंने हमसे पूछा है has half filled stable electronic configuration। हाँ क्या चीज बेटा सर, एंकर कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। वेरी गुड बेटा, अब वो यही पूछ रहे हैं कि बेटा नाइट्रोजन की आईई ऑक्सीजन से ज्यादा है, ठीक है ना, या फिर आप ऐसा पूछ रहे कि ऑक्सीजन की आईई नाइट्रोजन से कम है, ठीक है ना, और फ्लोरीन से भी कम है। तो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 हाफ फिल्ड स्टेबल ऑर्बिटल, हेंस मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन में हम क्या लिख देंगे, 1s2 2s2 2p4, अच्छा, बट इन के 1s2 2s2 2p5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है लेकिन साइज बहुत छोटा है, बट इन फ्लोरीन ड्यू टू extremely small size its effective nuclear charge is e is more than both oxygen and nitrogen। तो आप answers copy कर लीजिए। next question देखते हैं बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। कहते हैं हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट कि फर्स्ट आईई लेकिन सेकंड आईई ज्यादा है मैग्नीशियम से। सर क्या मतलब, अब देखो बेटा सबसे पहले तो हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, सोडियम 2p6 3s1, आप इसके ऊपर IE1 लगाओगे और ये बन जाएगा सोडियम एटम, 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही बेटा हमारे पास कौन है, मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम की बेटा कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। आप इसके ऊपर IE1 लगाओगे, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मुझे बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब उनका सवाल है कि IE1 बेटा मैग्नीशियम की ज्यादा है, तो बेटा IE1 ऑफ Mg इज मोर देन Na। सर क्यों? बिकॉज Mg has fully filled stable 3s2 orbital as compared to Na, which has 3s1 half filled। ठीक है, अच्छा। लेकिन बेटा यहां पर आता है सबसे अच्छा पार्ट इस क्वेश्चन का। अब इस सोडियम के ऊपर अगर आप IE2 लगाते हो एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराने के लिए, तो सोडियम बनाएगा +2, कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p5। और मैग्नीशियम पॉजिटिव के ऊपर अगर आप IE दोबारा लगाओगे IE2, तो वो भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6। लेकिन वो कह रहा है बट IE है और Na की ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो बेटा रीजन सुनिए, बिकॉज आफ्टर IE1 सोडियम attains noble gas configuration which is most stable। तो IE1 के बाद अगर आप ध्यान से देखें ये जो configuration है सोडियम की, बेटा ये noble gas configuration है, ये ज्यादा stable है, इसलिए सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये है इस एक्सरसाइज के 17 का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन, कहते हैं किन फैक्टर्स की वजह से आयनाइजेशन कम होती है। बेटा IE कम होनी चाहिए, तो कौन कौन से फैक्टर्स है, अगर या न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाए या आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाती है ना। अब इसको हम क्या कैसे करते हैं बेटा, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं बेटा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। सर क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स बेटा क्या करते हैं, इंक्रीज। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवरऑल बेटा क्या कर जाता है, डिक्रीज। हेंस टेंडेंसी टू लूज और रिमूव इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज। इसीलिए अगर उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की वैसे ही बढ़ रही है तो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या लगेगी, कम। अगर आप इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हो तो मुझे अपनी तरफ से एनर्जी कम लगानी पड़ेगी आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में। अगर आप ही इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते तो मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हो तो मेरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की कम लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये है एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है पर इसकी सेंस बेटा इस लेवल पे जो है इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी कम बनती है। ये बेटा जो टेबल दे रखा है ये फर्स्ट IE वैल्यू का है। हम ग्रुप 13 में देखें तो बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इनके IE1 की वैल्यू दे रखी है बेटा।
801, 577, 579, 558 और बेटा 589। अब वो कह रहा है, अभी बेटा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि डाउन द ग्रुप आईई जो है बेटा वो क्या करती है, डिक्रीज करती है। अगर ग्रुप में नीचे जाते हुए आईई डिक्रीज कर रही है तो बोरॉन से जब हम एल्युमिनियम जा रहे हैं तो आईई 800 से 577 हो रही है, आईई डिक्रीज कर रही है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, जब हम देखते हैं बेटा 577 से वो 579 हो गई, तो बेटा यहां पर आईई क्या कर गई, इंक्रीज। ऐसे कैसे हो गया, ये है उनका सवाल। दूसरा, अगर आप देखो बेटा 579 से 558 चले गए तो बेटा आईई डिक्रीज कर गई, ये सही है। लेकिन 558 से 589 आईई फिर इंक्रीज कर गई, ये कैसे हो गया। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, एल्यूमिनियम से गैलियम और इंडियम से थैलियम में आईई कम होनी चाहिए पर ज्यादा क्यों हो रही है, ये है उनका सवाल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं बेटा, जनरल ट्रेंड कहता है कि जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हो आईई कम होनी चाहिए। तो जब मैं बोरॉन से एल्यूमिनियम जाता हूं आईई कम होती है, ये सही है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम जाता हूं तो आईई थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब सवाल आया क्यों। फिर जब मैं गैलियम से इंडियम जाता हूं आईई कम होती है, ये सही है। लेकिन इंडियम से जब मैं थैलियम जाता हूं तो आईई जो है वो फिर दोबारा बढ़ रही है। तो ये जो दो चक्कर हो रहे हैं आईई बढ़ने के, ये क्यों हो रहे हैं, ये है उनका सवाल। तो इसके जवाब के लिए बेटा मैं आपको एक चीज समझा दूं। पहले तो आपको ये याद रखना होगा, रिमेंबर, कि अगर इलेक्ट्रॉन एंटर्स लास्ट शेल, अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर करता है तो बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा क्या करता है, इंक्रीज। बट अगर इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करता है, एंटर्स सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट शेल, देन स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लेस, रिपल्शन इज लेस। अब यही प्रॉब्लम है बेटा इस सवाल के अंदर, यहीं से हमारा जवाब आएगा। जवाब क्या है, व्हेन वी मूव फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, 10 इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहां पे एंटर करते हैं, एंटर्स N-1 d ऑर्बिटल। N-1 का मतलब होता है सेकंड लास्ट शेल के d ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, ठीक है ना। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इज लेस, हेंस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस स्लाइटली, देयरफॉर एटॉमिक रे इंक्रीजेस। और ऐसे ही व्हेन वी मूव फ्रॉम इंडियम टू थैलियम, 14 इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ ऑर्बिटल, हम क्या कहते हैं, थर्ड लास्ट शेल। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस, जिसकी वजह से आईई बेटा क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। बेटा अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज, फर्स्ट आईई दो आइसोटोप्स की सेम और सिन हैव नंबर कॉन्फ़िगरेशन, हेंस विल बी एटॉमिक नंबर 6, कार्बन 14 एटॉमिक नंबर 6, अ
अब बेटा कॉन्फिगरेशन सेम है तो बेटा उनकी आईई भी क्या होगी, सेम। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही करेंगे और अगली जो ट्रेंड होगा बेटा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।